प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती पर गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। यहां पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर बड़ा निशाना साधा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग युद्ध नहीं जीत सकते, लेकिन वो हमारी एकता में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि पीएम मोदी की तरफ से दी गई। तो इस दौरान बिना नाम लिए पाकिस्तान को भी चेताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। उन्होंने कहा कि जिनके क्षमता युद्ध लड़ने की नहीं, वो हमारे देश की एकता को खंडित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो अपने संबोधन में कहीं ना कहीं पीएम मोदी की तरफ से एकता पर फोकस किया गया। तो साथ ही उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के विचारों में देश की एकता को हर एक व्यक्ति महसूस कर सकता है। हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि हमें सरदार साहब के अधूरे सपने को पूरा करने का अवसर मिला है। हमें इस बात की भी खुशी है कि आज से ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, और ये भी सोने में सुहागा है कि एकता के पुजारी सरदार साहब की जन्म जयंती पर ही लद्दाख, जम्मू और कश्मीर अपने उज्जवल भविष्य की ओर मजबूत कदम उठा रहे हैं। साथियों, दशकों तक हम भारतीयों के बीच इस आर्टिकल 370 ने एक अस्थाई दीवार बना रखी थी। हमारे जो भाई बहन इस अस्थाई दीवार के उस पार थे, वो भी असमंजस में रहते थे। जो दीवार कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद बढ़ा रही थी, आज सरदार साहब के इस भव्य प्रतिमा के सामने खड़ा हूं तो सर झुका करके पूरी नम्रता के साथ सरदार साहब को मैं हिसाब दे रहा हूं कि सरदार साहब, आपका जो सपना अधूरा था, अब वो दीवार गिरा दी गई है।